कबड्डी 4, कबड्डी 3, कबड्डी 2, कबड्डी 1, कबड्डी। विराट शेख सुपर 10 पिछले मुकाबले में बढ़िया प्रदर्शन विराज का, और इस बार रेस से होल्ड कर लिए गए। ऋतुराज कोरावी ने यह काम किया। फिलहाल डू ऑर डाई रेड में नवीन एक्सप्रेस सुपर टैकल परिस्थिति भी है यहाँ गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स के लिए। परवेश बैंसवाल का पलड़ा उन पे भारी यहाँ पर, और जबरदस्त, इस खिलाड़ी को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जो जहां था अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। ये 5 पॉइंट की रेड है नवीन कुमार की। ये बताता है इस खिलाड़ी ने सिर्फ एक सीजन के भीतर कितनी इज्जत बटोरी है। हर कोई अपनी जगह पर खड़ा होकर के सम्मान दे रहा है नवीन की इस रेड को। कितनी बढ़िया डुबकी, कितना बढ़िया एंटिसिपेशन और ये एक्सप्रेशन, ये सिर्फ नवीन की रेड्स में संभव है। और आखिर जोगिंदर ने सचिन का शिकार किया। ये 15वां पॉइंट है उनका, और बेहतरीन टो टच किया यहां पर। ये देखिए लंबा पैर खींचा, अच्छा टो टच, यहां पे सफलता मिलेगी गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स के डिफेंस को। विनोद कुमार लाजवाब भाई, विनोद ने अपनी भूमिका जबरदस्त तरीके से निभाई है। सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए और क्या चेन छोड़ करके डाइव किया, टाइमिंग कितनी खूबसूरत, और उसके साथ ही सुनील और प्रवेश की जो जोड़ी थी उसने भी सपोर्ट किया। चंद्रन रंजीत वो रेडर जिसके 69 रेड पॉइंट्स हैं इस सीजन में, 5.3 का एवरेज, आते ही एक पॉइंट लेने में कामयाबी, बड़ी मछली फंसाई। बहुत बढ़िया कामयाबी का प्रतिशत है नवीन का सुपर टैकल में, 84% स्ट्राइक रेट। और ये देखिए 2 points, डबल दिल्ली, नंबर 12 और नंबर 11 आउट। सचिन आज केवल एक ही रेड पॉइंट अपने नाम कर चुके हैं, लेकिन 4 के डिफेंस में कामयाबी। 1 point, जैसे मिले तैसे मिले, बस मिल जानी चाहिए बाहर किया विजय को। ये सुपर टैकल की सिचुएशन में दिल्ली और गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स के लिए इस मैच का हुलिया बदला है रोहित गुलिया ने। अब प्रवेश राइट कवर पे खड़े, लेकिन पकड़ा पंकज ने, और फिर से बाहर जाएंगे नवीन कुमार। रोहित गुलिया 9 रेड पॉइंट, क्या 10वां लगाएंगे, बिल्कुल 1 point, गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स। सुपर 10 कंप्लीट किया रोहित गुलिया ने, और गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स की है ये इस सीजन की वन ऑफ द बेस्ट वापसी। आज की रात रोहित गुलिया के नाम रही, और लाजवाब बाहर किया रविंदर पहल को। एक बार फिर पिक्चर परफेक्ट किक देखने मिली। ये डू और डाई है, 4 का डिफेंस है, विजय को समय काटना चाहिए, अगर पॉइंट नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं। दबंग नेली केसी की एक बात तो बिल्कुल तय है कि चाहे डू और डाई भी हो, वो ओवर एग्रेसिवनेस जो आमतौर पर हम देखते हैं ऐसे समय पे जीत की एक्साइटमेंट में होती है, वो भी नहीं है दबंग नेली केसी की। एक पॉइंट जरूर दिया, और 4 पॉइंट्स के मार्जिन से ये मुकाबला हार गई है गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स। जीत एक बार फिर मिली दबंग नेली केसी को, लगातार 13वां सुपर 10 लगाया है आज फिर से इन जनाब ने, नाम है नवीन कुमार, और गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स की लगातार 3री हार।